शुक्रवार को आमडांगा थाने का घेराव कर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर तृणमूल समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक आमडांगा ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुश्ताक का आरोप है कि आमडांगा इलाके के बदमाशों द्वारा उन्हें यह धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुश्ताक ने आमडांगा थाने में मामला भी दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले की कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मुख्य आरोपी नसीरुद्दीन अभी भी फरार है व पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसको लेकर मुश्ताक के अनुगामियों ने मिलकर थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही व यातायात बुरी तरह से ठप दिखी। लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पाकर आमडांगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची व अवरोध को हटाने की कोशिश में जुट गई। ब्लॉक सदस्य मुश्ताक भाई 15 বছর নির্বাচনে জিতছে, উনি যা উন্নয়ন করেছে, গরিব মানুষ সাধারণ মানুষ যেই যা, কে সিপিএন কে তৃণমূল কে আম জাম উনি দেখে না, উন্নয়নের কাণ্ডারি, উন্নয়নের জন্য উনি আসে, বলাকে বসে আছে উন্নয়নের জন্য। ওই উন্নয়ন করে বলে কিছু সন্ত্রাসবাজী ওনার বিক্ষোভে সন্ত্রাস করে ওনাকে খুন খন্ত্রাস করার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে। চক্রান্তের উদ্দেশ্যে আসামি ধরে নিয়েছে, নাম বলা সত্ত্বেও থানার অচি অ্যারেস্ট করছে না। এর প্রতিবাদে আমরা 14 দিন থানায় অনশন করবো, তাতে আমরা যান চলে যাক, রাস্তায় গাড়ি দিয়ে যান পিছিয়ে দেবো, তো মোস্তাকবাদ উন্নয়নের কাণ্ডারির জন্য আমরা লড়বো।